फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो किचन। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेट लॉस रेसिपी नंबर 4, जो है पिज़्ज़ा। सबका फेवरेट है। इसको हम बनाने वाले हैं दो स्टाइल में। पहले बनाने वाले हैं शिकागो का सबसे अमेजिंग और फेवरेट डीप डिश पिज़्ज़ा, इसको आप पाई पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। और दूसरा हम बनाने वाले हैं थिन क्रस्ट नॉर्मल पिज़्ज़ा, जो हम पैन पर बनाने वाले हैं। तो दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। बोल में ऐड कर रही हूँ हमें 1 कप रागी का फ्लार, यानी नाचनी का फ्लार, 1 कप ओट्स का फ्लार। ओट्स को मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था। 1/2 कप आटा, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। और ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा सा सॉफ्ट डव रेडी कर देंगे, जैसे आप रोटी का आटा बनाते हैं, बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी। डव ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाइएगा, मीडियम थिकनेस में रखिएगा, तो डव हमारा स्मूथ रेडी हो जाएगा। तो इसको आप घूमते जाइए सॉफ्ट हाथों से, और मेरा डव ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम एक साथ असेंबल कर लेंगे। और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और ऑलिव ऑयल। 15 से 20 मिनट में इसको रेस्ट देने वाली हूँ, तो इसको हम कवर कर लेंगे। और 15 से 20 मिनट रेस्ट कर दिया है। थोड़ा फ्लार ले रही हूँ मैं, नॉर्मल चावल का आटा। एक बड़ा डव बोल ले लीजिए आप। इसको हम अच्छे से रोल कर देंगे, तो जैसे नॉर्मल चपाती रोल करते हैं, बस ऐसे ही आपको रोल करना है। और ये बहुत परफेक्टली आपका बेस रेडी हो जाएगा। तो मैंने एक बड़ा रोटी ऐड किया है। मैं नॉर्मल एल्यूमिनियम पैन ले रही हूँ, जो केक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, और ये जो बेस है मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी, तो ये स्टिक नहीं होगा। इसको हल्के हाथों से कॉर्नर से आप थोड़ा फैला दीजिए, जैसे आप पाए बनाते हैं, बस वैसे ही वही शेप में आपको इसको एडजस्ट करना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बस वो मोशन फॉलो करिए। हम फोक ले रहे हैं, इसकी मदद से हम जो होल्स है वो कर लेंगे इसके ऊपर, सो जो हमारा डव है वो फूलेगा नहीं। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करने के बाद मैं कॉर्नर्स पे भी सील कर रही हूँ फोक की मदद से। ये मैंने वीडियो में दिखाया, बस वैसे ही आप सील करते जाइए। ये चिपकेगा नहीं, तो टेंशन नहीं है, ईजिली निकल जाता है। इसको हम ओवन में बेक करने वाले हैं 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। अगला, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल चपाती का भी शेप बना लिया है, जो हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं, बस वैसे ही उसके ऊपर भी मैं पिज़्ज़ा की तरह फोक से होल कर रही हूँ। इसको हम तवे पे सेक लेंगे दोनों साइड से। मैंने बिना ऑयल के इनको सेक लिया है अच्छे से। आप चाहे तो कपड़े की मदद से थोड़ा क्रिस्पी भी कर सकते हैं इसको। बेस रेडी है, प्लेट में निकाल देंगे। अगला, मिक्सर जार में हम सॉस की तैयारी कर लेंगे। टमेटोज डाला है मैंने 6 से 7 और 2 चिलीज़। इसका मैं एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर रही हूँ। ये देखिए हमारा स्मूथ टमेटो प्यूरी रेडी है। कि टमेटो प्यूरी को साइड में करके अगला पैन में ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। थोड़ा गार्लिक ऐड कर लेंगे इसके अंदर 2 चम्मच। अच्छे से सॉटे करके थोड़ा अनियन डाल रही हूँ मैं। अनियन का टेस्ट टेक्सचर में सॉस में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और टमेटो प्यूरी भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली अनियन और गार्लिक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिला के हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। मैं थोड़ा और पानी भी ऐड कर रही हूँ, तो मिक्सर का जो बचा हुआ प्यूरी है वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके बस हमें कवर करना है, और इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए बबल्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छे से कुक हुआ है। मिक्स कर लूँगी, थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार सॉस के अंदर। और हम ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच शक्कर। यह ऑप्शनल है, बट अगर आप पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है। 1 से 2 मिनट और उसको पकने दूंगी। थोड़ा कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, थोड़ा इंडियन स्टाइल बना रहे हैं इसके लिए। गैस बंद कर दिया है, हमारा सॉस रेडी है। अगला पैन में ले रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा मीडियम गैस रखा है मैंने। 2 चम्मच में होल व्हीट आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम वेट लॉस रेसिपी बना रहे हैं तो आटा ही यूज़ करिए। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करने के बाद मिल्क ऐड कर लिया है। तो पहले 1 कप ऐड किया है, फिर और 1 कप ऐड कर लूँगी, तो टोटल 2 कप दूध आपको लेना है। इसको अच्छे से मिलाते जाइए, सारा जो आटा है वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए मिल्क के अंदर। ये थिक हो चुका है, अब ऐड करूँगी कैप्सिकम, अनियन और मिक्स्ड बेल पेपर्स भी मैंने लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स अपने चॉइस के और अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा कुक होने के बाद मैंने ब्रोकली ऐड कर लिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, इससे वेजिटेबल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करके बेल पेपर पाउडर भी ऐड कर रहे हैं।
मिक्स करके बस गैस को आपको बंद कर देना है। यह हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी है। अगला जो हमने ओवन में रखा था बेस, वो हम चेक कर लेंगे। ये परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हमारा वाइट सॉस का स्टफिंग। इसका अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा स्पिनच ऐड कर रही हूँ, यानी पालक। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट शिकागो स्टाइल में पालक बहुत ज़रूरी है और टेस्टी भी लगता है। इसके ऊपर हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हल्के हाथों से फैला दीजिए। ये जो पिज़्ज़ा है लेस देन 200 कैलोरीज है, तो बहुत हेल्दी है और आपको जब आप खाएंगे इसको आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगने वाला है। तो स्प्रेड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े स्लाइस हुए टमेटोज। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा अनियन भी डाल दिए थे। इसको हम ओवन में बेक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है और बहुत डिलिशियस लगता है। और ये अब जब मैंने पीस कट किया है तो ये एकदम परफेक्टली निकला है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए भी बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो हम अगला ये रेसिपी के बाद बनाने वाले हमारे सेकंड पिज़्ज़ा। जो मैंने रोटी है वो निकाल दिया है हमने जो तवे पे किया है, इसके ऊपर भी मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। इसको हम पैन में करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा जो स्टफिंग है वो। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा मैं पालक भी ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। और इसको हम तवे पे सेकने वाले हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम रखा है तवे का। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हमारा जो बेस है वो हम रख देंगे और 7 से 8 मिनट इसको ढक के आपको पकने देना है। तो देखिए 7 से 8 मिनट के बाद जो हमारा सॉस है वो बॉईल होने लगा है, यानी पिज़्ज़ा रेडी है, क्रिस्पी पिज़्ज़ा। इसको मैंने सर्व किया है थोड़े टोमेटोज के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो टेस्टी खाना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। सो बहुत कम ऑयल में और बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।